देख रहे हैं मी मीडिया न्यूज, मैं हूँ अभिषेक कुमार और वक्त हो गया है दिन भर के सभी बड़ी खबरों का। महादेव सट्टा ऐप के मुख्य संचालक सौरभ चंद्राकर को मनी लॉन्ड्रिंग और धोखाधड़ी के मामले में दुबई में गिरफ्तार किया गया है। इंटरपोल ने दुबई पुलिस के सहयोग से यह कार्रवाई की। सौरभ चंद्राकर पर आरोप है कि उन्होंने महादेव ऐप के जरिए 6,000 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी की, उसे भारत लाने की प्रक्रिया भी जारी हो गई है। NIA ने चेन्नई में हिजब उत तहरीर के सरगना के घर पर छापेमारी की और कागजात और अवैध सामान बरामद किया। लखनऊ के JP केंद्र पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को जयप्रकाश नारायण की जन्म जयंती पर मूर्ति पर माल्यार्पण करने से रोकने पर यूपी के कई जगहों पर सपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है, जहां लखनऊ से लेकर कन्नौज और इटावा तक सपाई सड़क पर उतर आए हैं। बिहार सरकार ने बालू के अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए कड़ा फैसला लिया। इस फैसले के तहत हर जिले में कंट्रोल एंड कमांड सेंटर स्थापित करने का निर्णय लिया गया है, जहां CCTV और ड्रोन कैमरे के माध्यम से बालू घाटों पर खनन और ढुलाई की निगरानी की जाएगी। पंजाब कांग्रेस ने पंचायत चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए गिद्दड़वाहा में धरना दिया, जिसकी अगुवाई प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा बंडिंग ने की। बता दें कि पंजाब में 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाला है। हरियाणा के कार्यवाहक CM नायब सिंह सैनी 15 अक्टूबर को हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले सकते हैं। PM मोदी के विदेश दौरे के चलते शपथ ग्रहण समारोह में देरी हो रही है। बता दें कि PM मोदी ने नायब सैनी को आश्वस्त किया है कि वह शपथ समारोह में जरूर शामिल होंगे। गंगोत्री धाम के कपाट शीतकाल के लिए 2 नवंबर को बंद हो जाएंगे। वहीं गुजरात के स्वामी नारायण गुरुकुल राजकोट से संत स्वामी के नेतृत्व में 60 साधु संतों का समूह उत्तराखंड के 4 धाम की यात्रा पर है। संत स्वामी ने कहा है कि यमुनोत्री में श्रद्धालुओं ने भारी मात्रा में वस्त्र यमुना में भेंट किए हैं, जो एक गलत परंपरा है। सनातन धर्म में नदियों में वस्त्र बहाने की कोई व्यवस्था नहीं है। दोस्तों, आगे की खबर पर चलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दे और इसे शेयर जरूर कर दे। आपके ऐसा करने से हमारा और हमारी टीम का हौसला और बुलंद होता है और हम रोजाना इसी समय पर आप लोगों के लिए दिन भर की बड़ी खबरें लाते रहते हैं। नवरात्रि के पावन अवसर पर बांग्लादेश में सतखीरा के श्यामनगर में जोशेरेश्वरी मंदिर से काली माता का मुकुट चोरी होने पर भारत ने कड़ा ऐतराज जताया। भारत ने बांग्लादेश से इस घटना को गंभीरता से जांच करने, दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने और मुकुट वापस मंदिर को सौंपने की अपील की। बता दें कि मंदिर से गुरुवार को मुकुट चोरी हो गया था। जापानी संगठन निहोन हिंडान क्यो को साल 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार मिला है। यह हिरोशिमा और नागासाकी के परमाणु बम से बचे लोगों का एक जमीनी आंदोलन है, इसे हिम्बाकुसा के नाम से भी जाना जाता है। केरल विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से एक राष्ट्र एक चुनाव के प्रस्ताव को मंजूरी देने के अपने फैसले को वापस लेने का आग्रह किया है। पारित प्रस्ताव में इसे असंवैधानिक बताया गया है। राज्य के विधायी कार्य मंत्री MB राजेश ने कहा कि इससे देश की संघीय प्रणाली को क्षति पहुंचेगी, इससे देश की संसदीय लोकतंत्र की विविधतापूर्ण प्रकृति को नुकसान पहुंचेगा। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने गंगटोक के सैन्य कमांडरों के सम्मेलन की अध्यक्षता की। बता दें कि पहली बार यह आयोजन दिल्ली से बाहर राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थान पर हो रहा है। यह सम्मेलन हाइब्रिड प्रारूप में हो रहा है, जिसका पहला चरण गंगटोक में और दूसरा चरण 28 और 29 अक्टूबर को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन रतन टाटा का बुधवार देर रात देहांत होने के बाद अब टाटा ग्रुप की विरासत नोएल टाटा संभालेंगे, जहां टाटा ग्रुप ने नोएल टाटा को नया चेयरमैन बनाने के फैसले पर मोहर लगा दी है। जयपुर में RSS नेता सुरेश भैया जी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने एक समाज के तौर पर सभी से भेदभाव खत्म करने और एकजुट होने की अपील की। भैया जी ने कहा कि जाति जन्म से तय होती है, यह एक सामाजिक बुराई है, इसे खत्म करने की जरूरत है। जहां भी आपस में भेदभाव होता है वह समाज समाज नहीं रहता, समाज के सभी अंग महत्वपूर्ण है, कोई कमतर नहीं होता है। हेलीकॉप्टर हादसे के एक महीने बाद मिला लापता पायलट का शव। गुजरात
के पास अरब सागर में हुआ था दुर्घटनाग्रस्त। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पेपर लीक मामले में विशेष अभियान समूह यानी एसओजी द्वारा की जा रही जांच की सराहना की और कहा कि एसओजी की कार्रवाई की पूरे देश में सराहना हो रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने इस मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई और उसी के अनुरूप काम किया। हल्दी में करक्यूमिन पाया जाता है जो इसे एंटी इंफ्लेमेटरी गुणों से भरपूर बनाता है। इससे लंग्स इंफेक्शन कम होता है और लंग्स डिटॉक्स में भी मदद मिलती है। हल्दी दूध या हल्दी की चाय या फिर मात्र हल्दी पानी भी लंग्स को डिटॉक्स करने में सक्षम पाए जाते हैं, इसलिए आप हल्दी का सेवन जरूर करें। इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च ट्रेड अप्रेंटिसशिप भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 13 अक्टूबर 2024 है। उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट igcar.gov.in पर जाकर जल्द आवेदन करना होगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने साहिबगंज हावड़ा इंटरसिटी एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि रेलवे ने झारखंड में बुनियादी ढांचे के विकास पर 56,000 करोड़ रुपए के निवेश की योजना बनाई है। इससे न केवल रेल संचार लिंक विकसित होगा बल्कि झारखंड में रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। महानवमी के अवसर पर मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव बोले, कुश्ती सहित अन्य सभी खेलों को दिया जाएगा बढ़ावा। उज्जैन में मलखम्ब अकादमी जल्द होगी शुरू। हिमाचल प्रदेश में एनपीएस कर्मचारियों को मिलेगा केंद्र के समान महंगाई भत्ता। 12% लंबित डीए का भी होगा भुगतान, सुक्खू सरकार ने दी मंजूरी। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ताओं पर पीडीपी समर्थकों के भेड़ और बकरियां चुराने का आरोप लगाया है। इल्तिजा ने कहा कि उमर अब्दुल्ला को बताना चाहिए कि क्या गुंडा राज वापस आ गया है। वही कुलगाम में माकपा और जमाते इस्लामी के समर्थकों में मारपीट होने की भी खबर सामने आई थी। पिछले 2 महीने से कोलकाता के आर्जिकल मेडिकल कॉलेज में हुए मामले की पीड़िता के लिए इंसाफ की मांग की जा रही है। जहां अनशन पर बैठे जूनियर डॉक्टर की हालत बिगड़ गई है, वहीं एक आंदोलनकारी डॉक्टर ने कहा कि उनकी नाड़ी की स्पीड बहुत कम थी और उनके अन्य स्वास्थ्य पैरामीटर भी सामान्य नहीं थे। नासिक रोड इलाके के आर्टिलरी सेंटर में फायरिंग अभ्यास के दौरान भारतीय फील्ड गन का गोला फटने से 2 अग्निवीरों की मौत हो गई। अधिकारी ने इस घटना की जानकारी देते हुए बताया कि विस्फोट में अग्निवीर गोहिल विश्वराज सिंह और सैफत सिट की मौत हो गई है। जी हाँ दोस्तों, मैं देख पा रहा हूँ कि आप में से बहुत सारे लोगों ने इस वीडियो को लाइक किया है, कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है और इसे शेयर भी किया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग बाकी है, इसलिए उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप भी वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दे और इसे शेयर जरूर कर दे। दोस्तों ये थी दिन भर की बड़ी खबरें। ऐसी खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल के ऑल ऑप्शन को दबा दें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें ताकि देश और दुनिया की हर इंपॉर्टेंट खबर से आप और आपके जानने वाले रह सकें अपडेट।